ईवीएम का आंदोलन जो है कहीं ये इस शोर शराबे में इलेक्शन के दब ना जाए। इलेक्शन एक ऐसा व्यक्ति लड़े जो ईवीएम को ईवीएम के अंदर जाके भी घुस के भी हरा सकता है। मुझे चुना गया है कि मैं इन सब चीजों को रोक लगाने में देश का सबसे अच्छा व्यक्ति माना जाता हूँ। मैं ये ऐलान करता हूँ यहाँ से, आज के बाद रामपुर में संविधान और कानून का राज चलेगा। किसी की गुंडाई, चाहे वो वर्दीधारी गुंडे हो या दूसरे तरह के गुंडे हो, गुंडाई नहीं चलेगी। रामपुर से क्यों आपने चुनाव लड़ने की? आजम खां के भी जिला, भाजपा के भी ये मजबूत जिला, क्या क्या वजह है? क्या पूरे देश में जो ईवीएम का आंदोलन चल रहा है, जिसका मुझे मेन चेहरा या मेन सिपाही माना जाता है, वो पूरे ईवीएम के जो भी जितने भी लोग एक्टिविस्ट हैं, उन लोगों ने ये पूरा सबने मिलकर तय किया कि एक आदमी हमें ऐसा चाहिए जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं सारी, उन्होंने सहयोग तो किया लेकिन सड़क पे आके सहयोग नहीं किया हम लोगों का। तो ये ईवीएम का आंदोलन जो है कहीं ये इस शोर शराबे में इलेक्शन के दब ना जाए। तो एक इलेक्शन एक ऐसा व्यक्ति लड़े जो ईवीएम को ईवीएम के अंदर जाके भी घुस के भी हरा सकता है, उसमें सबसे देश में सबसे अच्छा आदमी मुझे माना गया। दूसरा ये था कि आप ऐसी मुश्किल जगह से चुनाव लड़ें जो भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई सीट हो, जहां पुलिस और प्रशासन का एकदम डर और टेरर हो, क्योंकि इन दोनों चीज़ों को भी दूर करने में संवैधानिक और कानूनी रास्ते से आप सबसे अच्छे आदमियों में से एक माने जाते हो देश के। तो इसीलिए रामपुर चुनी गई है, सारे ईवीएम के एक्टिविस्ट ने चुनी है ये, कि रामपुर में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई सीट है, तो कोई भी जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो कैंप है उसको कोई नुकसान नहीं होगा इस सीट को लड़ने से। पहली बात सबसे महत्वपूर्ण ये। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो इतने सीनियर लीडर हैं, आपने भी उनके बारे में बताया, भी उन्होंने एक बहुत ही मार्मिक पत्र लिखा यहाँ की ज़मीनी हालात के बारे में, कि यहाँ के जो अधिकारी थे 3 साल की जगह उन्हें 5 साल तक इसीलिए रखा गया कि वो चुनाव में वैसी ही गड़बड़ी या धांधली कर सकें जिस तरीके की पिछली बार की गई थी। तो ये इलेक्शन कमीशन जो है हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है इस बात के लिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट डालने आए, ये बात तो सही है ना, वोट ज़्यादा डालें, इसके लिए इतने हजारों करोड़ रुपए कैंपेनिंग चलती है, बड़े बड़े फेसेस इसके लिए एंगेज किए जाते हैं। और रामपुर में क्या हुआ, देश के बाकी जगह भी हुआ, जो कमज़ोर वर्ग थे उन्हें घरों के अंदर से निकलने नहीं दिया गया, ऐसी खबरें हमारे पास आई। तो इसलिए भी मुझे चुना गया है कि मैं इन सब चीज़ों को रोक लगाने में देश का सबसे अच्छा व्यक्ति माना जाता हूं। तो मैं ये ऐलान करता हूं यहां से, आज के बाद रामपुर में संविधान और कानून का राज चलेगा। किसी की गुंडाई, चाहे वो वर्दीधारी गुंडे हो या दूसरे तरह के गुंडे हो, गुंडाई नहीं चलेगी, इस बात का ऐलान करने में आया हूँ। आपने बहुत 2 महीने से कौन सा प्रचार कर रहे हैं? मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको, कानूनी तौर पर इसीलिए मुझे चुना गया ना ये मुश्किल सीट से, जो भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई सीट है, कि कानूनी तरीके से, और मैं ये साबित करके दिखाऊंगा आप सब लोगों के सामने आने वाले दिनों में, आज भी पेपर बैलेट से चुनाव होना कानून है, ईवीएम से चुनाव होना आज भी गैरकानूनी है, जब तक के चुनाव आयोग किसी खास सीट पे खास वजह ना बताए कि हम यहाँ पे मत पत्र से पेपर बैलेट से चुनाव नहीं करा सकते, इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे ईवीएम से चुनाव हो, ये कानून है। एक भी जजमेंट ऐसी नहीं है सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की जो ये कहे कि पेपर बैलेट से चुनाव नहीं होने चाहिए, एक भी जजमेंट ऐसी नहीं है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कि चुनाव सिर्फ ईवीएम से होने चाहिए, ये मैं साबित करूंगा आप लोगों के सामने सबूत के साथ।